अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक है। मुगल फिशिंग टैकल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि लास्ट में अंगूर का मैंने शीरा एक बनाया था लास्ट टाइम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। अभी तक वो मेरा तैयार नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा उसकी गैस निकलने में। तो काफ़ी सारे भाइयों के मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स आए हैं इस वक्त, वो आए हैं कि चलते पानी में मछली पकड़ने का कोई ट्रिक बताएं। अभी मोस्टली बंदे नहर में खेलते हैं शिकार, तो वहाँ पर पानी चलता हुआ है, तो चलते हुए पानी में मच्छी बाइट तो करती है लेकिन हुक नहीं होती। उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि आप जो आटा बनाते हैं वो बहुत सख्त हो जाता है। तो एक बेट है जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी यूज़ कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे रिजल्ट दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, खुद भी रिजल्ट निकले हैं। तो मैंने कहा आप वो बेट आपको बताएं जो चलते पानी में और रुके पानी में अच्छे तरीके से यूज़ हो, ठीक है। और ये सर्दी की बेट है और ये बहुत अच्छी काम करती है। कोई भी चीज़ है ये ठंडे पानी जब हो जाते हैं तो ये बेट बहुत अच्छी वर्क करती है। तो मैं आपको तब ही चीज़ बताता हूँ जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है। अभी उस बेट की ज़रूरत है तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपको वो बेट समझा दूँ आज, एक एक चीज़ करके बताऊँगा, पूरे तरीके से देखा करें आपको समझ आएगी। तो यकीन रख के करें, बाकी कामयाब करने वाले अल्लाह की जात, आप मेहनत करें, ठीक है। तो सबसे जरूरी जो चीज है इसमें है वो है पीली मकई, ठीक है। पीली मकई आपको कितनी लेनी है, इसके लिए आप कोई भी सात से एक पैमाना ले लें, क्वांटिटी लाजमी है इसमें, ठीक है। आपने पीली मकई लेनी है 2 कप, मैं साथ साथ ये मेंशन कर रहा हूं पिक्चर, ठीक है, साथ साथ देख ले। पीली मकई लेनी है आपने 1 कप, ठीक है जी। नंबर 1 पे आ गई पीली मकई। नंबर 2 पे जो इसकी चीज है वो है देसी आटा। देसी आटा है जी, चक्की वाला जो आटा होता है ना, प्योर गंदम का आटा, ठीक है, ये वो वाला आटा है। ये आपको 1 कप चाहिए, ज्यादा नहीं। एक कप ये मैं बार बार कहता हूँ, क्वांटिटी को खराब नहीं करना। कई भाई हमारे ऐसे हैं वीडियो पूरी देखते नहीं है और चीजें जब आगे पीछे हो जाती है तो फिर कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। जब चीज पूरी देखेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज आ जाती है वो है चिकन फीट 4 नंबर। चिकन फीट 4 नंबर ये भी आपको 1 कप चाहिए। चिकन फीट। इसके बाद जो चौथे नंबर पे चीज है वो है करा। एक होती है सूड़ी, एक होता है करा। इन दोनों का एक फर्क है। फर्क ये है कि जो सूड़ी होती है उसमें काफी सारी दालें वगैरह कचरा मिक्स होता है, और जो करा होता है स्पेशल चने के, जो ब्लैक चने होते हैं ना उनको ग्राइंड करें तो वो करा बन जाता है, ठीक है। ये आ गया जी करा हमारा, ठीक है। ये भी हमने लेना है 1 कप करा। अब जो चौथे नंबर पे चीज है ये बहुत जरूरी है, ये नहीं डालेंगे तो आपका काम सर्दी में नहीं चलेगा, वो क्या है? शक्कर, ठीक है। शक्कर हमने 1 कप ली है। एक कप शक्कर होगी जी। ये 5 चीजें होंगी हमारी। और 6वीं जो चीज है वो है सूजी। सूजी हमारे इंडियंस भी यूजर हैं, रवा भी बोलते हैं इसको, सूजी भी, ठीक है। सूजी ये भी हम 1 कप लेंगे, ठीक है। सूजी चीजें होगी है 6। ये आपकी बेट कंप्लीट है, इसमें कोई भी चीज नहीं दिखाते, ये आगे करके दिखाएंगे इनको। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, पीली मकई 2 कप, ठीक है, देसी आटा 1 कप, शक्कर 1 कप, चिकन फीट 4 नंबर 1 कप, करा 1 कप और सूजी 1 कप, ठीक है जी। ये चीजें होगी। अब इनको हमने करना है मिक्स आपस में, अच्छे तरीके से मिक्स कर ले जितनी भी चीजें हैं।
मेन चीज होता है कि हमने इसको बनाना किस चीज में, वो सबसे जरूरी चीज है। दरअसल मैं यहां पे इसलिए बनाता हूं कि आप भाइयों को अच्छे तरीके से समझ आए जाए चीज की, ठीक है। बाकी कई भाई मुझे कहते हैं कि कई बर्तन में बनाया करे, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इतनी ज्यादा तो बनानी नहीं होती, मैं इतनी बना रहा हूं कि जितनी यहां पे आसानी से बन जाए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। गो। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको बनाना किस तरीके से है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सी बेट आपको मैं बता चुका हूं और माशाल्लाह बहुत से भाई इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये बेट भी मुझे 100% यकीन है कि जो जो यूज करेगा इंशाल्लाह उसको कामयाब करेगा और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशल गुलफाम और रोहू, कैटला भी लगेगा, रोहू भी लगेगा, गुलफाम। लेकिन ये अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये गुलफाम और कैटला के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? इसमें अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होने वाली है। अब ये बनाना किस चीज में है, ये जरूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि नान, जो नान हम खाते हैं ना रोटी, ये वो वाला नान है, ठीक है। एक नान आपने मुकम्मल ले लेना है, ठीक है। ये इसको हमने पानी में भिगो दिया था तो ये माशाल्लाह अभी इतना मेल्ट हो गया, ये देखें इतना मेल्ट हो गया कि आराम से ये हर चीज अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ये चीज, अब जरूरी चीजें होती हैं, कई बार कुछ भाई पूरा नहीं बताते, लेकिन इस बार माशाल्लाह हमने सोचा कि आपको मुकम्मल एक बेट बताएं जो डिफरेंट हो। ऐसी बेट, बहुत अच्छी अच्छी बेट्स हमारे भाइयों ने शेयर की हुई हैं। हर बंदे का अपना तजर्बा, अगर सोशकारी है तो सोशकारी का अपना मेथड है, अपना तरीकाकार है। इसके बाद जो दूसरी चीज आएगी इसको बनाने के लिए वो है, ठीक है, दो अदद के ले लें आप, जिस हिसाब से मैंने क्वांटिटी बताई आपको इस हिसाब से ये मैं सारा बता रहा हूं आपको, ठीक है। दो अदद केले सिर्फ, ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा बनाएं तो वो जारी बात आप डबल कर सकते हैं जितना मर्जी, लेकिन उसके हिसाब से दो। अब जो मेन चीज है ना, सबसे मेन, यहां तक आप पहुंच गए हैं, अब आपको मेन चीज में बताता हूं कि इसका जो सबसे परफेक्ट चीज है, आपने असेंस लेना है, असेंस, ठीक है। ये मैं मैंगो सेंस यूज कर रहा हूं इसके लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप भी मैंगो सेंस ही लें, ये मैं सबसे पहले बता रहा हूं। आपको जो सेंस आपको पसंद है, इलायची का पसंद है आपको, वनीला सेंस आपको पसंद है, बनाना सेंस आपको पसंद है, जो सेंस आपको अच्छा लगे, अच्छा पसंद है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप ये सेंस डालेंगे, क्यों, ये अट्रैक्शन के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप कोई भी वो सेंस यूज करें जो आपको पसंद है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, ठीक है। कोई भी सेंस आप यूज कर सकते हैं। तो सेंस में हमेशा कोशिश करें सेंस इतना ज्यादा यूज नहीं करना, कुछ भाई हमारे बहुत ज्यादा सेंस यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से कई बार रिजल्ट में फर्क आ जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, लिक्विड है ये, बहुत ही जबरदस्त मैंगो, तो हमने ये यूज कर रहे हैं। आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं, इस कोई भी शर्त नहीं है, ठीक है। यूज कितना करना है, इसका जो ऊपर वाला ढक्कन होता है ना, एक ढक्कन आपने इसका भर के, एक ढक्कन, ठीक है, कि कम से कम 9-10 कतरे बन जाते हैं इसके। अब कोई भी चीज है आप जब यूज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत जरूरी है। कई भाई हमारे बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं, डाल देते हैं, फिर वो चीज की खुशबू बहुत ज्यादा तक तेज हो जाती है और वो भी कई बार हमारे शिकार को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। सेंस हमने यूज कर लिया, अब हम इसको मिक्स करते हैं आपस में। दरअसल कोई भी बेट है, इसको बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है आपकी क्वांटिटी, क्योंकि आपका हाथ बैठ जाता है उस चीज पे और आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आप कितना इसमें आटा यूज करेंगे और चीज परफेक्ट बनेगी। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है इसके लिए ये आटा बहुत है, जबरदस्त आटा, और इसमें ये बहुत परफेक्ट आपको रिजल्ट देता है। मुझे पता है मेरे बहुत से भाई है जो ज्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते,
और स्किप करते हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा सा इसको स्किप करूंगा क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो मैं कहा चले ज्यादा लंबी नहीं करते, लेकिन कोशिश ये करें कि इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मसलना आपने, इसमें और कोई चीज आपने ऐड नहीं करनी, कोई पानी नहीं एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना, जो भी बनाना आपने इसी में करना है। गो। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, ये हमने इसको जबरदस्त किस्म से बना दिए और आप यकीन करें कि इसकी खुशबू इतनी गजब की निकल रही है कि जितना बंदा झूठ बोले, बहुत ही क्लास की खुशबू है इसकी। कोई भी सेंस आप यूज करें, बहुत ही जबरदस्त चीज है और ये चलते पानी में इतना जबरदस्त काम करता है। आप आराम से यूज करें इसको, कोई टेंशन नहीं है, ये आस्ता आस्ता इसके ऊपर से उतरता रहेगा आटा, जिधर भी जाएगा मछली वहां से आएगी इंशाल्लाह, और लगेगा गुलफाम इसकी आप गोलियां भी यूज कर सकते हैं और इसका गोला भी यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी बताते हैं आपको। ठीक है जी, बाकी इसको लगाना किस तरह वो भी साथ से समझा देते हैं आपको। आप कोई सा भी रिग ले लें, ये मैंने रिग बनाया हुआ है 6 हुक वाला, ठीक है, इसके साथ हम इस तरीके से यूज करेंगे ये। ये देखें बड़ी जबरदस्त बनावट है इसकी, बहुत ही जबरदस्त। अगर इसमें पानी कम पड़ जाए तो आपने पानी नहीं इस्तेमाल करना, आपने नान थोड़ा सा और ले लेना है, ठीक है। जिस तरह हमेशा से हम आपको बताते हैं कि उसी तरीके से हम बना रहे हैं आज भी, आपने हुक्स को हमेशा चारों तरफ रखना है, ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ, हर हुक एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। बाद में इसको दबा दे, हुक्स जो भी आपको पसंद है वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए 4 हुक्स इसके मिडल में आ गई हैं और साइडों पे जो है यहाँ पे आप गोलियां लगा दें, ठीक है। ठीक है जी, ये है हुक, हुक बेट हमारी। बाकी ये चीज देख सकते हैं आप, जबरदस्त चीज है, अट्रैक्शन हर चीज इसमें कंप्लीट है। बाकी कोई भी चीज है, कोई भी चीज हम आपको बताते हैं तो इंशाल्लाह रिजल्ट हमें पहले मिलता है तो फिर हम आपको बताते हैं। बाकी ये आप यूज करें, जो जो भाई देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें और कॉमेंट्स लाजमी किया करें और अपनी राय दिया करें कि नेक्स्ट में कौन सी वीडियो बनाऊं और आपको कौन सी वीडियो चाहिए। ये जो हाईएस्ट कॉमर्स थे मेरे पास चलते पानी में शिकार के लिए, ये उसके लिए स्पेशल आटा है, ठीक है।